हाय, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और यूनिक जबरदस्त जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल करके आ रही है DFCCIL एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर आपको एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों ही पोस्ट पे, वेरियस पोस्ट पे आपको वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा रहेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं मांगा गया है। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम समझते हैं पहले कि DFCCIL होता क्या है। सो DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सीधा सीधा हिंदी में इसको समझते हैं कि ये मालवाहक गाड़ियों के लिए समर्पित रेलवे ट्रैक होता है। स्पेशली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के पोस्ट के ऊपर। वैसे दोस्तों, अगर सभी पोस्ट को हम कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं तो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 525 रहने वाली है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली, सबसे ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो कि आपको 225 है टोटल। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत इजी है एंड कुछ खास क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगा गया है। आगे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो ये जो फॉर्म आपका है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है आपका 20 मई 2023 से, और जो आपका लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने का है वो आपका 19 जून 2023 रहने वाला है। बट आपको लास्ट डेट का वेट ना करते हुए जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर देना है। और अगर मैं इसके लिए एग्ज़ाम डेट्स की बात करूँ तो आपका जो CBT 1 ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो आपको अगस्त 2023 में होगा। वही अगर मैं CBT 2 की बात करूँ तो आपका दिसंबर 2023 में वो पेपर होगा। और थर्ड आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका मार्च 2024 में होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म की फ़ी क्या है। इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों को आपको 1000 रुपीज़ लगने वाला है। और अगर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की मैं बात करूँ तो उनसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एज लिमिट के बारे में जानते हैं। एज लिमिट जो है वो आपको एग्जीक्यूटिव प्लस जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका मिनिमम एज आपको 18 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स रहने वाला है। वहीं आपको OBC और SC ST वालों की बात की जाए तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका रहेगा वो आपको एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कॉलेज से, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है वो 60% है, तो आप एकदम एलिजिबल हो इस पोस्ट की फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इस पोस्ट में आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या डिग्री नहीं चाहिए, बट अगर वही अदर पोस्ट की बात की जाए तो सभी में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या फिर डिग्री मांगा गया है।
तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो मैंने ये सब तो समझ लिया, बट मेरा जो है सिलेक्शन कैसे होगा इस जॉब के लिए। ये जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपको चार मेजर स्टेज पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, यानी CBT 1 का पेपर होगा। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे तो आपका सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कि CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। थर्ड आपका CBAT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। सो अगर आपने CBAT भी क्वालिफाई कर लिया तो आपकी मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, लास्ट स्टेज रहता है आपका ये। तो अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप ये समझ लो कि ये जॉब आपको मिल गई। सो अब हम CBT 1 की एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये आपका 90 मिनट्स का होता है और इसमें आपको टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जो आपका टॉपिक्स रहता है यानी सब्जेक्ट, आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपका मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सेकेंड आपका जनरल अवेयरनेस, थर्ड आपका जनरल साइंस का सेक्शन रहता है, फोर्थ आपकी लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, और फिफ्थ आपको आपका देखा जाता है नॉलेज अबाउट रेलवेज या DFCCIL। सो इसमें जो क्वेश्चन आपका है वो सेक्शन वाइज बटा हुआ है। अगर मैथ्स की बात करूँ तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस की आपको 15 क्वेश्चन रहेगी, और रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें 30 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल आपका 90 क्वेश्चन हुआ और 10 क्वेश्चन आपका जो होता है नॉलेज अबाउट DFCCIL और रेलवेज से आपको 10 क्वेश्चन रहता है। सो ये ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के और 90 मिनट्स का रहता है। तो चलिए अब हम लोग ये सारा कुछ तो समझ गए, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न। सबको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि इस जॉब की इनहैंड सैलरी क्या रहेगी। सो बेसिकली जब आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको जो मिनिमम सैलरी होती है वो आपको 45,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है, और हर साल एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देते हुए आपकी जो फाइनल सैलरी बनती है वो आपकी 1,35,000 से भी आपकी आपकी प्लस रहने वाली है। अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेगी, जैसे आपको NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए होती है, सेम उसी तरीके से इस पोस्ट के लिए भी आपको ऑल ओवर इंडिया की जॉब रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करूँ तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हो, अपनी चॉइस की 3 सेंटर को आप चूज़ कर सकते हो। तो ये सारी जो है एक बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बताई है DFCCIL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो अगर इसको समझने में अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो तो आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख के समझ सकते हो। और अगर मैंने जो कुछ भी समझाया उसे समझने में आपको कोई भी डाउट आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। सो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती रहूँगी आपसे न्यू जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, बाय बाय, टेक केयर।